खबरों का रुख करते हैं रायपुर की तरफ, जहां बलोदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत करमंदा के आश्रित ग्राम बैजलपुर को गांव के बिना सहमति के गोवा बंद को जोड़कर एक नया पंचायत बनाया जा रहा है, जिसे नाराज ग्रामीणों ने जिला पंचायत व कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि बैजलपुर एवं गोवा बंद अधिक दूर पर स्थित होने के कारण पंचायत संबंधी कार्य के लिए ग्रामीणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीणों को समय के हानि के साथ ही साथ आवागमन में समस्या झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्राम के विकास की राशि गोवा बंद में आवंटित हो जाएगी, जिससे गांव के विकास में रुकावट होगी। दरअसल आपको बता दें कि दोनों गांवों का एक नया पंचायत बनाए जाने के कोई खेद नहीं है। ग्रामीणों ने इस बात पर खेद करते हुए बताया कि बिना किसी जानकारी व पूर्व सूचना के एकाएक गाँव को अलग कर दिया गया और ना ही ग्राम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से सलाह मशवरा लिया गया। इसी कारण दोनों गाँव के ग्रामवासियों ने आपत्ति जताई है। है कि हमारा ग्राम पंचायत करमंदा था बैजलपुर का, और उसको काट करके गोवाबन में जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ जिला पंचायत आए हैं। आप लोग की क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम लोग क्या है कि करमंदा ग्राम पंचायत में ही बैजलपुर रहना चाहता है, गोवाबन में नहीं जाना चाहते हैं हम लोग। और क्या है कि हम लोग गए थे जिला कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ क्या है कि नेता लोगों को सुनता है, हम जनता लोगों को नहीं सुनता है वहाँ। तो क्या है, नेता लोगों का पहुँच है और हम लोगों जनता लोगों का पहुँच थोड़ी है वहाँ। इसीलिए हम लोग यहाँ जिला में पंचायत में आए हैं, और कलेक्टर ऑफिस भी गए थे हम लोग, वहाँ से हम लोगों को कागजात भी कलेक्टर साहब नहीं देखा है, वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मामला अपना ग्राम पंचायत का था, ग्राम पंचायत करमंदा जो बलौदा ब्लॉक में आता है, और अपना ग्राम पंचायत करमंदा का जो आश्रित ग्राम बैजलपुर है और पहरिया का आश्रित ग्राम गोवाबंद है, तो दोनों बैजलपुर और गोवाबंद को एक पंचायत कर दिए हैं, जिनकी जानकारी होने पर हम लोग दावा आपत्ति किए थे, जिनका दावा आपत्ति का निराकरण जो होना था, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हुआ। साथ ही साथ जानकारी प्राप्त होने पर हम लोग पूरे ग्रामवासी जो आए थे, क्योंकि ग्रामवासी की को किसी को भी पता नहीं था कि अलग पंचायत हो रहा है, इसलिए कलेक्टर और जिला पंचायत आए हुए थे, जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया, केवल आश्वासन दिया गया है। मैं गुरु नानक राइस मिल तलावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।